मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए बच्चों, आज मैं आपको शेखीबाज मक्खी के कुछ शब्दार्थ कराती हूँ। इससे पहले मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर करा चुकी हूँ। आज बच्चों इसके शब्दार्थ करेंगे, जिन्हें आपको पढ़ना भी है मेरे साथ साथ और अपनी कॉपी में उन्हें याद करके लिखना भी है। बच्चों शब्द है स्नान, स्नान का मतलब होता है नहाना। दहाड़ना, शेर की आवाज़। भिन भिन, मक्खी की आवाज़। प्रणाम, इसका मतलब है बच्चों नमस्ते। मंद मंद अर्थात धीरे धीरे। विशालकाय, इसका अर्थ है बच्चों बड़ा शरीर, जैसे हाथी का बड़ा शरीर। धन्य, महान। चुटकी बजाते, जल्दी से। अंश, इसका मतलब है बच्चों थोड़ा। हिम्मत, साहस। ये तो थे बच्चों इसके शब्दार्थ। अब मैं आपको इसके कुछ अभ्यास कार्य कराती हूँ जो आपकी बुक में है। आपको पेज नंबर 15 पर देखना है। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, इसका आपको अपने ढंग से आपको अर्थ लिखना है। शेर आग बबूला हो उठा अर्थात शेर गुस्से से पागल हो गया। उसकी ज़रा खबर लो ना, इसका मतलब है बच्चों उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। अगला है बच्चों, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, इसका अर्थ है बच्चों मैं उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ, जल्दी से मार देती हूँ। फिर आगे है बच्चों, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। ये बात मक्खी ने कही थी जंगल के राजा शेर से। अब आपको इसका अर्थ कैसे लिखना है, जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तो थे बच्चों भाषा की बात के अभ्यास कार्य। अब आपको आगे देखना है, उड़ते मंडराते अर्थात आपको ये देखना है कि किसके आगे पीछे क्या क्या मंडराता रहता है, जैसे जलते हुए बल्ब के आसपास। तो बच्चों जलते हुए बल्ब के आसपास क्या दिखते हैं बच्चों आपको, मच्छर, छिपकली, कीट, पतंगे। फिर अगला है बच्चों, खेतों में आपको क्या दिखाई देते हैं, क्या उड़ते हुए दिखाई देते हैं फसल पर, टिड्डियाँ, मच्छर, चिड़िया, ये सब आपको खेतों में दिखाई देते हैं। आगे आप देखो बच्चों, इकट्ठे पानी के ऊपर, कहीं पर भी पानी इकट्ठा होता है तो उस पर सबसे पहले क्या आ जाते हैं, मच्छर और मक्खी। फिर आगे देखो बच्चों, फूलों पर तो आपने सभी ने देखा होगा, उस पर सबसे पहले क्या घूमती है आगे पीछे, तितलियाँ और भंवरे। फिर कचरे के ढेर पर, जो कि गंदगी का ढेर होता है, गंदी चीज़ों पर कौन आकर के बैठती हैं, मक्खी और मच्छर आकर के बैठते हैं। इसीलिए तो हमें हर चीज़ को ढक कर के रखना होता है, क्योंकि ये गंदगी पर बैठ कर के हमारे खाने पीने की चीज़ों को भी ख़राब कर देती हैं। फिर आपने देखा है बच्चों, हलवाई की मिठाइयों पर भी मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ मंडराती रहती हैं, इसीलिए इन चीज़ों को ढक कर के रखा जाता है। तो बच्चों ये तो थे कुछ अभ्यास कार्य, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। भाषा की बात आपको कॉपी में करना है, शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं और इन्हें अच्छे से याद भी करना है। इसके बाद बच्चों आपका अगला चैप्टर आता है, ये तो है आपकी कहानी खोजो। इसके बाद आपको ये कहानी खोजने के लिए आपको देखो क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, आपको इस चित्र में कौन दिखाई दे रहा है, वो क्या क्या काम कर रहा है, इसकी आप अगर एक कहानी बना सकते हो तो उसे आप बना के अपनी भाषा में लिखोगे। इसके बाद आगे है बच्चों आपका पाठ, चांद वाली अम्मा। तो ये पाठ आपको पढ़ कर रखना है, हम अगली कक्षा में जब मिलेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।